नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले कि नीति निदेशक तत्व के इस चैप्टर पर एक लेक्चर लिया जा चुका है और आगे हम उसी से कंटिन्यू करेंगे और शेष भाग को आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व के जो है विशेषताओं, उसके एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताएं, नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकार के बीच में क्या अंतर है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और इसके संदर्भ में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य और 37 में इसकी परिभाषाओं को हम लोगों ने देख लिया था। तो आगे हम इसके प्रावधानों पर, जो कि अनुच्छेद के रूप में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार के विषयों के बारे में व्याख्या किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि उसके संदर्भ में आप लोगों की एक बेहतर समझ विकसित हो सके। अलग अलग अनुच्छेदों में किन विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि आने वाले समय में इनसे संबंधित प्रावधानों को कानून के रूप में बनाए और लोगों के जीवन में बेहतरी लाने का प्रयास करें। तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर के बाद आगे के टॉपिक को, आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 38, 37 तक हम लोगों ने देख लिया था। 37 में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि नीति निदेशक तत्व यद्यपि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु ये शासन में मूलभूत होंगे। राज्य और सरकार इनके प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 37 के अंतर्गत था जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था। और 38 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है स्थापना किया जा सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जिसमें स्थापना किया जा सके, राज्य लोक कल्याण को स्थापित करने का इस तरीके से प्रयास करेगा। अपने संसाधनों के अंतर्गत, अपने प्रयास के अंतर्गत इस तरीके से जो है प्रयास करेगा जिससे लोक कल्याण की जो है अभिवृद्धि किया जा सके। इसी के दूसरे खंड एक और खंड दो, यहाँ पर कई अनुच्छेदों में आप लोगों को खंड देखने को मिलेगा। तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से अलग अलग विषयों में समय समय पर कुछ नए विषय भी जोड़े जाते रहे हैं। तो दो में यह बात व्यवस्था बताई गई है, दो जो है बाद में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। और इसमें इस बात को बताया गया कि असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य जो है लोगों के बीच में समानताएं स्थापित करने का प्रयास करेगा और उनके बीच में जो असमानताएं हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 38 खंड दो के माध्यम से देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही गई। सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लोगों के बीच जो भी अंतर थे उसको समाप्त करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ऐसी राज्य से अपेक्षा इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है और इसीलिए इसको सामाजिक लोकतंत्र का जो है दस्तावेज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यह केवल व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर, इन सभी के बीच जो भी असमानताएं हैं उसको समाप्त करने के लिए राज्य अपने प्रयास और संसाधनों के अंतर्गत आने वाले समयों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 38 के जो है अंतर्गत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। और दो में एक बात को कहा गया है कि ये लोगों के बीच असमानताओं को कम करेगा। यह केवल व्यक्तियों के बीच में ही नहीं बल्कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर, इन सभी क्षेत्रों में लगे हुए लोगों के बीच असमानताओं को कम करने का जो है प्रयास करेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 38 में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 39, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और अनुच्छेद 39, इसे 39 को आर्थिक लोकतंत्र, इसे आर्थिक लोकतंत्र का दस्तावेज कहा जाता है। और यह माना जाता है कि अनुच्छेद 39 के माध्यम से देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साधन,
पर चर्चा किया गया है और आने वाले समय में जब संविधान लागू किया गया तो राज्य से यह अपेक्षा की गई कि इसके संदर्भ में जो भी बातें कही जा रही हैं इस अनुच्छेद में इसे व्यवहार में लागू करने का राज्य आने वाले समय में प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक गतिविधियों को इस तरीके से संचालित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी लोग अपने आजीविका के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे, पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। तो इस तरीके से इसमें ए बी सी डी के रूप में कई बातें कही गई हैं और इसीलिए हम इसको यहां पे एक एक करके देखेंगे कि इसमें जीविका के लिए बात कही गई है कि जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकेंगे, पुरुष और स्त्री सभी लोगों को अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। और इसी में यह कहा गया है बी में इसी बात को कि 39 में जैसे कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियां इस तरीके से संचालित करेगा जिससे कि लोगों की जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सके। और इसी में बी में कहा गया कि राज्य जो है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से स्थापित करेगा जिससे सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जा सके। संसाधन की बात कही गई है कि इस पर स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से होगा जिससे सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जा सके, इससे सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जा सकता है कि राज्य जो है अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरीके से संचालित करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से स्थापित होगा जिससे सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसी में सी में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियों का संचालन इस तरीके से करेगा जिससे उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण इसमें ना हो। राज्य इस तरीके से अपने आर्थिक नीतियों का संचालन करेगा जिससे उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्तियों के पास ही समस्त उत्पादन के साधन ना आ जाए जिससे कि उनका उत्पादन पर नियंत्रण हो जाए, मूल्यों पर नियंत्रण हो जाए, कालाबाजारी शुरू हो जाए। ये सारी गतिविधियां राज्य अपने प्रयास के अंतर्गत रोकने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से तीन के सी के अंतर्गत इस प्रकार की बातें कही गई। इसी में हम लोग डी को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है सेम पहली लाइन सभी वाक्यांश के साथ जुड़ा रहेगा कि राज्य इस तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों को संचालित करने का प्रयास करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके, समान कार्य के लिए समान वेतन। इस तरीके की बात कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात यहां पर कही गई है डी के अंतर्गत। ये एक तरीके की आर्थिक नीतियां हैं जो राज्य और संविधान के द्वारा राज्य और सरकारों से आने वाले समय में अपेक्षा की गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था राज्य और सरकार अपनी नीतियों अपने कानूनों के अंतर्गत करेगा। तो यहां पर इस तरीके की बातें कही गई है। इसी में ई अगला जो है खंड इसका है कि पुरुष और स्त्री के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था यानी कि बालकों की स्थिति संवेदनशील होती है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर बताया गया है कि इस तरीके की नीतियां अपनाई जाएंगी कि परिस्थितिवश इनका दुरुपयोग ना होने पाए और वो ऐसे किसी कार्य में संलिप्त ना हो जो कि उनके स्वास्थ्य और उनके आयु के अनुकूल ना हो। तो यहां पर कुल मिलाकर के बालक, स्त्री और पुरुष इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की बात कही गई है और जिसका कि परिस्थिति बस दुरुपयोग ना होने पाए। इसी तरीके से अगले वाक्यांश में यह चीज कहा गया है बालकों के संदर्भ में बताया गया है कि बालकों को एक स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास करने का मौका प्राप्त हो सके। कैसे? राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई जाएंगी,
राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई जाएंगी जिसके माध्यम से बालकों को एक गरिमामय और स्वतंत्र वातावरण में अपना विकास करने का मौका मिल सकेगा। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है बालकों के संदर्भ में, और राज्य उनके संरक्षण करने की भी बात किया गया है कि राज्य के द्वारा इनका संरक्षण भी किया जाता रहेगा। तो इस तरीके से 39 के ए बी सी डी ई एफ इन 6 प्रकार के जो है खंडों के माध्यम से पुरुष महिला के कार्य के संदर्भ में, उनकी आजीविका के संदर्भ में, समान कार्य के समान वेतन के संदर्भ में, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के संदर्भ में, उत्पादन के साधनों के अधिकारी संकेंद्रण के संदर्भ में बात कही गई है। और यह इस तरीके की बात कही गई है जिससे कि आर्थिक संसाधन उत्पादन लोगों की आय इत्यादि के संदर्भ में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे कि इन सभी लोगों का कल्याण हो सके, इनका जो है आर्थिक स्तर बढ़ सके, इनकी असमानता इत्यादि कम हो सके। इन सभी बातों के आधार पर ही अनुच्छेद 39 को ये कहा जाता है कि ये भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसके माध्यम से किया गया है। और अनुच्छेद 38 के खंड 2 जिसे कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल किया गया है, उसे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा असमानता इत्यादि को कम किया जाएगा। जब सभी लोग समान हो जाएंगे, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे, तो वह एक सामाजिक स्तर पर समरसता और समानता स्थापित होगी और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसी में 39 का भी जोड़ा गया, बाद में इसमें एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि सभी लोगों को समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। समान एवं निःशुल्क, सभी लोगों में समान रूप से मिले, यह नहीं कि किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, महिला को मिले, पुरुष को मिले, या समाज के कुछ वर्गों को मिले, कुछ वर्गों को मिले, समान रूप से सभी को मिले। और दूसरी बात यह है कि वह निःशुल्क भी होना चाहिए, समान एवं निःशुल्क विधिक सेवा की जो है बात यहां पर कही गई है। इसी अनुच्छेद के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है, और इसके माध्यम से इस अधिनियम की बातों को जमीन पर उतारने के लिए प्रयास किया गया है। हालांकि आगे अभी आगे टॉपिक में हम लोग इसके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या अभी तक समस्याएं रही हैं और क्यों नहीं ये क्रियान्वित हो पाया है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कहां कहां इसका क्रियान्वयन किया गया है। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहेगी, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने अनुच्छेद 39, क्योंकि बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसमें काफी कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है और राज्य से अपेक्षाएं की गई है कि उसे वह पूरा करने का प्रयास करे, तो 39 के अंतर्गत ये व्यापक प्रावधान किए गए हैं। और इसीलिए अनुच्छेद 39 को आर्थिक लोकतंत्र का आधार, आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने वाला दस्तावेज कहा गया है। अगले हम अनुच्छेद 40 पर चर्चा करते हैं। 40 के माध्यम से लोकतंत्र के स्थापना के बाद यहां पर 40 के माध्यम से पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। पंचायतों की स्थापना की बात कही गई कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे कि वह एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर सके। भारत में पंचायतों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए तथा लोगों की प्रशासन और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह लोकतंत्र की मजबूती का एक आधार होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इसके माध्यम से लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है, लोकतांत्रिक गतिविधियों से वो परिचित होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसके माध्यम से उन्हें लोकतंत्र की एक जानकारी होती है, चुनाव प्रणाली की जानकारी होती है, शासन सत्ता को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत हथियार है जिसे जमीन पर उतारते हुए लोकतंत्र के इस अनुच्छेद 40 के माध्यम से किया गया। बाद में इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया 93वां और 94वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से पंचायतों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए राज्य से अपेक्षा की गई है। तो इस तरीके से जो है इसमें पंचायतों की बात कही गई है, इसमें पंचायतों की जो है बात
कही गई है। इसी तरीके से आर्टिकल 41 पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम, शिक्षा, बीमारी, बेकारी और बुढ़ापा कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें अपेक्षा की गई है कि राज्य ऐसी परिस्थिति में लोक सहायता देने का कार्य करेगा, प्रयास करेगा। और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मनरेगा जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिससे लोगों को रोजगार की गारंटी दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको अभी आगे वाले जो है आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि इसे जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए जो है इसे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। और अन्य आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम जो है संचालित किए जा रहे हैं जिससे लोगों के जीवन में तब्दीलियां लाई जा सके, उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर काम, शिक्षा, लोक के संदर्भ में, बीमारी और बेकारी के संदर्भ में किसी भी प्रकार के लोक सहायता देने की बात कही गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि लोक सहायता की जो है बात कही गई है, काम, शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में लोक सहायता देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 42 पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 42 में काम की दशाओं की बात कही गई है कि पूर्व में जैसा होता था कि बधुआ मजदूर हुआ करते थे, लोगों के जीवन बहुत ही कठिन स्थिति में, अमानवीय स्थिति में काम करना पड़ता था। तो यहां पर काम की दशाओं के बारे में बात कही गई है, काम की दशाओं के बारे में बात कही गई है कि यह मानवोचित और न्यायसंगत दशाएं, राज्य जो है काम की मानवोचित और न्यायसंगत दशाओं को स्थापित करने का प्रयास करेगा तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि वह भी एक महिला के गरिमा से और एक लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है, एक संवेदनशील विषय है जिसमें महिलाओं की प्रसूति सहायता प्रदान करने को एक लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत राज्य का एक कर्तव्य होगा। आने वाले समय में कई प्रकार के स्वास्थ्य के संदर्भ में कार्यक्रम संचालित किए गए हैं जिससे महिलाओं को सहायता दिया जाता है, उनके संस्थागत प्रसव के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इसके साथ में कुछ ये चीजें भी बताई जा रही हैं जिससे आपको ये जानकारी हो कि इसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। सवाल इसे फिर संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ साथ कुछ चीजें बताई जा रही है कि संस्थागत प्रसव के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो कृषि उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनको जीवन निर्वाह मजदूरी देने की बात कही गई है। उनको जीवन निर्वाह ऐसी मजदूरी दिया जाएगा जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। मजदूरी किसी भी काम के लिए 100 रुपए और 50 रुपए भी हो सकते हैं और उस काम के लिए जो है 400-500 रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन उसको ऐसी जो है मजदूरी दिया जाएगा जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। तो इसमें जीवन निर्वाह करने की जो है बात कही गई है। इसी में कुटीर उद्योगों की भी बात कही गई है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग भी स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि 43 में कि मजदूरों को जीवन निर्वाह भत्ता और कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ हम लोग 44वें पे चलेंगे। समान सिविल संहिता, राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा कि ये कोड बनाने का प्रयास किया जाएगा। और यह भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में असमानता को कम करने के लिए एक जो है समरूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने का इसके अंतर्गत जो है राज्य के द्वारा प्रयास किया गया है कि समान सिविल संहिता की बात इसमें कही गई है। समान सिविल संहिता की जो है बात इसमें कही गई है, इसमें जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह मजदूरी की बात इसमें कही गई है। अगले जो है आर्टिकल पर हम लोग आते हैं 45 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, इसे 2002 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है और एक नया आर्टिकल 45 का जोड़ा गया है। और 45 में जो अपेक्षाएं की गई थी उसे 21 का के अंतर्गत ला करके, 21 का के अंतर्गत ला करके मौलिक अधिकार बना दिया गया है शिक्षा को। और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि
कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के लोगों को निःशुल्क सहायता राज्य के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर 45वें यानी कि जो है 45वें आर्टिकल को निर्सित करके इसके विषयों को 21 का के अंतर्गत शामिल किया गया और 21 का में बताया गया कि 0 से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर 45 का में बताया गया कि अब 0 से 6 वर्ष, पहले जहां पर 6 से 14 वर्ष की शिक्षा देने की बात कही गई थी, वहीं पर 0 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के संरक्षण और उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करना राज्य के लिए जो है एक दायित्व होगा। इसे 45 का के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर 45 की बातों को 21 का में शामिल किया गया और 45 का में एक नए प्रावधान को शामिल किया गया। 45 को निश्चित करके 21 का और 45 का में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के संरक्षण और शिक्षा के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाना उसका कर्तव्य बताया गया। आर्टिकल 46 के अंतर्गत हम लोग आएंगे। इसमें बताया गया है कि राज्य कुछ विशेष प्रकार के वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, विशेष करके SC ST वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि शैक्षणिक और आर्थिक हित की बात कही गई है, शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देगा तथा उन्हें शोषण से सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। विशेष वर्गों के लिए इसमें बात कही गई है, विशेष वर्गों के लिए इसमें बात कही गई है कि वह उन वर्गों के लिए, विशेष प्रकार के वर्ग में SC ST उसमें आते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए या विशेष वर्गों के लिए इसमें जो है कमजोर वर्ग विशेष रूप से देखा जाए और कमजोर के अंतर्गत जो है विशेष वर्ग के रूप में वो आते हैं। कमजोर वर्गों के लिए इसमें प्रयास किया गया है कि SC ST के लिए उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से अगले अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य के लिए जो यह निर्देश जारी किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के अंतर्गत जो कि 36 से लेकर के 51 के बीच वर्णित है कि राज्य जो है लोगों के जीवन स्तर और उनके पोषाहार स्तर को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेगा। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य मादक द्रव्यों, मादक जो है पेय पदार्थों और नशीले पदार्थों, मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों की बिक्री और व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास करेगा क्योंकि यह किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को जो है बताने की बात कही गई है। पोषाहार और जीवन स्तर, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को इसमें सुधारने की बात कही गई है। 48 पर हम लोग आते हैं, 48 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन की आधुनिक विधियों को, कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण पर बल देगा, उनके वैज्ञानिकरण पर जो है बल दिया जाएगा तथा राज्य के अंतर्गत गाय है, बछड़े हैं, दुधारू पशु हैं, इसी तरीके से भारवाहक पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा और इनके वध को रोकने का प्रयास करेगा ताकि एक स्वस्थ संस्कृति का देश में विकास हो सके। तो इस तरीके से 48 के अंतर्गत इस प्रकार की बातें कही गई हैं। और 48 का इसमें एक अनुच्छेद 48 का भी जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 के माध्यम से। यहाँ हम देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 49 का, 43 का और 48 का ये तीन जो है अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। और 48 का के अंतर्गत ये बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, वन की रक्षा किया जाएगा एवं वन्य जीवों, वन एवं वन्य जीवों का मतलब, वन का मतलब फॉरेस्ट हो गया जिसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधे आते हैं, उनका समूह आता है, और वन्य जीवों का मतलब उन वनों में रहने वाले जीव जैसे कोई भी जानवर है या पशु पक्षियां हैं, सभी लोगों को शामिल किया जाएगा क्योंकि इससे हमारी प्रकृति की जो शुद्धता बनी रहती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है और जैव विविधता को बनाए रखने में सफलता मिलती है। तो इस तरीके से
48 का के अंतर्गत हम लोग ने पर्यावरण के संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा पर बल दिया है। इसी तरीके से हम लोग आते हैं अगले अनुच्छेद पर 49। 48 में आप लोगों ने देखा 48 का में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और इसी तरीके से 49 के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा की बात कही गई है। ऐतिहासिक महत्व की चीजों के संरक्षण पर बल दिया गया है, ऐतिहासिक महत्व के विषयों को संरक्षित करने पर यहां पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 50 के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करण। इसका महत्व क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करने का तात्पर्य है कि जो भी विवाद हो जिस पर न्यायालय के द्वारा सुनवाई किया जा सके उसमें कार्यपालिका के द्वारा किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, न्यायपालिका के द्वारा उस पर स्पष्ट रूप से और बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए और सही न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया जाए, इसलिए इसके माध्यम से पृथककरण करने की बात कही गई है। और आर्टिकल 51 के अंतर्गत चूंकि इन सभी चीजों का जो विषय है, इन सभी आर्टिकल्स के जो विषय हैं वो देश के नागरिक और देश के भीतर विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को स्थापित करने की बात कही गई है। और 51 के अंतर्गत ये चीज बताने का प्रयास किया गया है कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके चार महत्वपूर्ण जो है खंड है, वाक्यांश है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि किया जाएगा, राष्ट्रों के मध्य जो संतोषजनक सम्मानजनक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया जाएगा। और चौथे में यह चीज बताया गया है कि इसके माध्यम से चौथे में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के बीच जो विवाद उत्पन्न होंगे उसे मध्यस्थता के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से 51 के माध्यम से चार बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है और राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने की बात कही गई है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति समादर भाव रखने की बात कही गई है और राष्ट्रों के मध्य जो भी विवाद उत्पन्न होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां राष्ट्र के द्वारा मध्यस्थता किया जाएगा, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कही गई है। इसमें 43 के साथ साथ एक और अनुच्छेद 43 का भी है जो कि 42वें संविधान संशोधन में बनाए गए तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि 39 का, 43 का और 48 का के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया पर्यावरण के संदर्भ में। तो हम 43 का के बारे में बताएंगे। इसमें कर्मचारियों की उद्योग के प्रबंध में भागीदारी की बात कही गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी उद्योग में कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके भी उसके प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, इससे उनमें एक निष्ठा का भाव जागृत होगा, वह मन से कार्य करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इससे उस उद्योग के साथ साथ पूरे देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को देखा और चर्चा किया तथा इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, राज्य से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं उसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। और एक और क्लास इस पर आधारित है जो कि हम जस्ट इसके बाद लेंगे क्लास, और उसमें हम लोग ये बताएंगे कि इसका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या क्या समस्याएं रही हैं और इन प्रावधानों की कहां तक आलोचना है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए, तो इस पर आधारित एक और क्लास होगा जिसे हम जल्द ही लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसके संदर्भ में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो संवैधानिक प्रावधानों को इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को कुछ जरूर समझ बढ़ी होगी। तो आप अन्य विषयों के साथ साथ इस टॉपिक का अध्ययन करते रहिए।
पुनः हम इसके अगले भाग और अंतिम भाग को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।